तरह की अगर शक्ति के हम बात करें, शक्ति की विशेषताओं की बात करें, तो शक्ति जो होती है वो सिचुएशनल होती है, यानी स्थिति परक होती है। नगरी शक्ति संरचना स्थिति परक होती है, इसका प्रयोग विशेष स्थिति में ही किया जा सकता है, यानी कि नगर में व्यक्ति जो होता है अपनी शक्ति का प्रदर्शन हर समय नहीं करता है, अपनी हर इच्छाओं को पूरा करने के लिए शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता है, ये सिचुएशनल होता है। और ये एक ऐसी सिचुएशन होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सिचुएशन में व्यक्ति शक्तिशाली होता है, किसी सिचुएशन में शक्तिशाली नहीं होता है। जैसे कि अगर हम चुनाव की ही बात कर लें, तो चुनाव में एक इंडिविजुअल का एक एक वोट भी उसके शक्ति का स्रोत होता है, शक्ति का प्रदर्शन करने का समय होता है चुनाव का समय। और अगर हम बात करें, किसी व्यक्ति के पास इकोनॉमिकल पावर है, उसके पास पैसा है, वो सोचता है कि पैसे से अगर हम किसी का प्रेम खरीद लें या नौकरी पाने के लिए करप्शन करें, घूस दें, लेकिन कोई व्यक्ति अगर घूस लेने से मना कर दे तो वो अपनी इकोनॉमिक पावर का उपयोग नहीं कर सकता। तो सिचुएशनल होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में वो पावरफुल ही रहेगा। तो अर्बन एरिया में, या हम कह सकते हैं सिचुएशनल होता है, शक्ति जो होती है वो सिचुएशनल होती है। अगर हम देखें पैरेटो को, अगर हम याद करें, तो पैरेटो ने भी अपना पावर इलिट यानी कि अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का जब सिद्धांत की बात वो करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि शक्ति जो है दो लोग के बीच में वो परिवर्तित होती रहती है। इसलिए उन्होंने शक्ति की साइकिल अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की बात की है। हालांकि एक वर्ग ऐसा भी होता है जो मूक दर्शक होता है या आम दर्शक होता है, लेकिन जिनके हाथ में, इसलिए उन्होंने शासक के जो सत्ता में है उसकी नेचर के बारे में कहा है कि वो लोमड़ी होता है, और जो शक्ति के पाने के लिए संघर्षरत रहता है वो शेर की भांति उसका नेचर होता है, और जैसे ही मौका मिलता है वो मौके को लपकता है और शासक वर्ग की श्रेणी में आ जाता है, और जो शासक होता है वो फिर से नीचे की तरफ आ जाता है और शक्ति के पाने के लिए फिर वो प्रयास करने लग जाता है। तो इस तरह से हम ये देखें तो शक्ति जो होता है वो स्थिति परक होता है। एक व्यक्ति, एक समूह हर समय हर परिस्थिति में शक्तिशाली नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि शक्ति जो होती है नगर में वो स्वतंत्र नहीं होती है, इसके अपने कुछ साधन होते हैं, कुछ एजेंसियां होती हैं, कुछ माध्यम, कुछ मीडियम होते हैं जिससे वो अपने शक्ति का प्रदर्शन करता है। आमतौर पर, खुले तौर पर शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। और इस शक्ति का प्रदर्शन किस माध्यम से करता है व्यक्ति? न्यायपालिका के माध्यम से, कोर्ट कचहरी के माध्यम से। अगर व्यक्ति नेता है तो नेता के माध्यम से, या अपने जो उनको नेता होने की वजह से जो उनको अथॉरिटी मिली है, या जो ब्यूरोक्रेटेशन है उनको, जो जिस पद पर वो आसीन है उस पद से जुड़ी उनको जो शक्ति मिली है, उस शक्ति का उपयोग करके वो उसके माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि शक्ति जो होती है वो स्वतंत्र नहीं होती, किसी ना किसी माध्यम से व्यक्ति नगरों में अपने शक्ति का प्रदर्शन करता है। यहाँ पे लोग जो है कि डायरेक्ट शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं। और इसी तरह से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शक्ति जो होता है, वहाँ पे एक्सचेंज थ्योरी की हमको चर्चा कर लेनी चाहिए। पीटर ब्लॉक की एक्सचेंज थ्योरी काम करती है। तो माध्यम, क्योंकि हमने संबंध मूलक, शक्ति की संबंध मूलक की भी बात की है कि शक्ति जो होती है संबंध मूलक होती है, वहाँ फॉलोअर और अनुयायी चाहिए होता है, रिलेशनशिप होता है। तो मींस यानी माध्यम भी होता है। अभी ये माध्यम एक व्यक्ति का स्वतः माध्यम होता है, एक दूसरा माध्यम भी होता है। वो माध्यम क्या होता है? संबंध होता है। ये संबंध उस तरह के संबंध होते हैं कि जैसे कि दो अभिजन वर्ग हैं, एक राजनीतिक अभिजन वर्ग और दूसरा शिक्षक अभिजन वर्ग या डॉक्टर अभिजन वर्ग। इन दोनों के हित या कोई किसी तरह का काम, अगर राजनेता से किसी शिक्षक का या डॉक्टर का कोई काम, या व्यापारियों का काम, अगर हम सही एग्जांपल लें तो व्यापारिक और राजनेता को लें, तो अगर व्यापारियों को कोई नीति निर्माण कराना है अपने हिसाब से, तो राजनेता उसको कहेगा, आग्रह करेगा कि आप मेरा ये काम करें तो मैं आपका ये काम करूंगा, यानी एक्सचेंज थ्योरी। तो इसी तरह से हम देखें तो एक्सचेंज थ्योरी कहीं ना कहीं काम करती है इनके बीच में, नगरी शक्ति संरचना में। तो समय आएगा तो आप मेरा ये काम मैं आपका ये काम कर दूंगा, अभी आप मेरा ये काम कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं हम देखें ये भी एक तरह का माध्यम होता है नगरों में। तो नगर में लोग
शक्ति जो होती है वो स्वतंत्र नहीं होती, एक इसका माध्यम होता है। फिर नगर में जहाँ हमने कहा कि शक्ति जो होती है वो स्थिति परक होती है, वहीं शक्ति के एक कुछ डिफरेंट अलग अलग रूप भी होते हैं, यानी कि जैसे कि अभी हमने बात कहा कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति में भी शक्ति होता है, अकेला व्यक्ति भी शक्ति का प्रदर्शन चुनाव के समय वोट दे करके कर सकता है। वहीं हम कह सकते हैं कि किसी विशेष अभिजन वर्ग में किन्हीं शहरों में हम किसी को अभिजन वर्ग देख रहे हैं, कहीं पे राजनेताओं का ज़्यादा वर्चस्व है, कहीं पे टीचर्स का बहुत ज़्यादा वर्चस्व है, तो किसी एक व्यक्ति को भी अभिजन वर्ग के रूप में हम देख सकते हैं। और शक्ति शक्ति के रूप में देख सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि कहीं संगठित रूप में भी हमें शक्ति देखने को मिलती है, इंडिविजुअल तौर पे देखने को मिल रही है, और या हम कह सकते हैं असंगठित रूप में देखने को मिल रही है, तो संगठित रूप में भी देखने को मिल रही है। संगठित रूप में हमें कैसे देखने को मिल रहा है, जैसे चिकित्सक वर्ग हो गया, अध्यापक वर्ग हो गया, वकील वर्ग हो गया, तो इस तरह से हमें शक्ति के अलग अलग स्वरूप शहरों में देखने को मिलते हैं। कोई एक, और ये भी हम कह सकते हैं कि कोई एक स्वरूप नहीं होता है, ये सभी तरह के स्वरूप हमको, शक्ति के स्वरूप हमको नगरों में देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद हम अगर देखें तो पॉलिटिकल ग्रुप्स का रोल आजकल नगरों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उनको पता है कि नगर में ये अलग अलग फॉर्म्स के शक्ति संरचनाएं हैं, अलग अलग रूप में शक्ति संरचनाएं, तो कहीं ना कहीं राजनेता जो है कि वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, दलगत राजनीति करने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए नगर की वर्गीय संरचना को ध्यान में रखता है और उनके अपनी राजनीतिक शक्तियों का संचालन करता है, यानी कि वो इन अभिजन वर्गों के हितों को ध्यान में रखता है और उनके हितों की पूर्ति करता है, उनके हिसाब से नियम कायदे कानून में बनाता है, उसमें परिवर्तन करता है, उसको लागू करता है, और ये वो सिर्फ इसलिए करता है ताकि वो अपनी शक्ति को मेंटेन कर सके, अपनी सत्ता को हासिल किए रह सके। फिर उसके बाद अगर हम बात करें लो क्लास एंड कास्ट एज ए पावर एलिट, नगरों में निम्न जाति के, निम्न वर्ग के लोग भी अभिजन वर्ग के श्रेणी में आ रहे हैं, ऐसा अब्बास यूलू ने अपने अध्ययन में कहा है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि हमारा देश जो है वो लोकतंत्र है, जनतंत्र है, यहाँ पे संविधान में के माध्यम से लोगों को समानता का अधिकार मिला हुआ है, तो इस समानता के अधिकार के कारण जो दलित वर्ग है, निम्न जाति के लोग हैं, वो भी एक पावर एलिट के श्रेणी में आ रहे हैं। और अब क्या हो रहा है कि ये अभिजन को देखा जा सकता है कि जाति संस्करण में तो इन्हें निम्न स्थान ही है, लेकिन कहीं ना कहीं संवैधानिक स्थिति के वजह से, संविधान के माध्यम से उच्च जातियों के बराबर ये पहुंच गए, यानी कि पावर एलिट ये बन गए हैं, और कहीं ना कहीं ये उच्च जाति की तरह ही ऊंचे अफसर, विधायक, नगर प्रमुख, ये सभी भूमिकाओं का निर्वाह कर रहे हैं और नीति निर्माण में अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम इस तरह से देख सकते हैं कि नगरों में जो पावर लिट है वो हमको, हम लो कास्ट एंड क्लास में भी को भी देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें नगरी शक्ति संरचना, अभी तक हम पॉजिटिव आस्पेक्ट की बात कर रहे थे, तो पॉजिटिव होने के साथ साथ ये नेगेटिव भी है। अगर सी डब्ल्यू मिल्स की हम बात करें और मैनहाइम की बात करें, तो इन्होंने लिखा है अपने अध्ययन में कि यह शक्ति को हथियाकर, जो पावर एलिट्स हैं वो शक्ति को हथियाकर उसका दुरुपयोग करते हैं, उसका मिसयूज करते हैं, और प्रभाव, ये प्रभावशाली लोग जो पावर एलिट होते हैं, जो अभिजन वर्ग होते हैं, वो प्राय नगरों में किस दूर दराज के इलाकों में, सुंदर इलाकों में, सुरक्षित इलाकों में, स्वच्छ इलाकों में ही अपने भवन बनाते हैं, और अपने भवन के आसपास निर्माण कार्य का में बाधा पहुंचाते हैं, जैसे कि वो अपने घर के आसपास सार्वजनिक सड़क, मॉल, स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब का निर्माण कार्य में रोड़ा अटकाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जहां वो रह रहे हैं उसके आसपास किसी भी तरह की भीड़ या चहल पहल हो। और हम कह सकते हैं कि ये अपने प्रभाव के वजह से अपने नगर के आसपास लघु उद्योग धंधे में भी नहीं, इंडस्ट्रीज का भी निर्माण नहीं होते, कार पार्किंग हो गई, जनसेवा हो गई, पानी, बिजली, पार्क हो गया, बच्चों के खेल
खेलने कूदने के लिए मैदान हो गया, इन सभी योजनाओं में एक तरह का बाधा उत्पन्न करते हैं, रुकावट डालते हैं इनका, और इनका समूह इतना प्रभावशाली होता है कि नगर अधिकारियों और उच्च स्तर के अधिकारियों से मिलकर ये नगर आयोजन के कार्यक्रम को रुकवा देते हैं, और जो और कहीं ना कहीं रुकवा देते हैं, इतना ही रुकवाने के साथ ही साथ हम ये देखें वो दूसरी तरफ पे इसको मैनिपुलेट कर देते हैं, यानी कि ये जो नगर के डेवलपमेंट के लिए जो योजनाएं बन रही हैं उसको अपने एरिया पे रुकवा करके दूसरे एरिया की तरफ भी वो डाइवर्ट करने में सफल हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो इनका राजनीतिक गतिविधियों में भी इनका पार्टिसिपेशन होता है और नीति निर्माण में ये अपना रोल अदा करते हैं, सकारात्मक रूप से नहीं नकारात्मक रूप से अदा करते हैं, जो और ऐसे नीति निर्माण को पास करवाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनके लिए हितकर होता है। बजट में भी प्रायः इनकी इनको ही ध्यान में रख करके बजट बनाया जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पावर स्ट्रक्चर, अर्बन पावर स्ट्रक्चर इंडियन सोसाइटी में कहीं ना कहीं हमारे समाज में अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट पर कार्य कर रही है, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा हानिप्रद है और हमारे भारतीय समाज के लिए नुकसानदेह है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो पावर एलिट्स है या नगर वो नीति निर्माण में सहायक की भूमिका भी अदा कर रही है और कहीं ना कहीं उसमें नकारात्मक भूमिका भी अदा कर रही है और जो कि समाज के लिए हानिकारक है। तो कहीं ना कहीं इस पे हमें ध्यान देना होगा।